हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन अब बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में बात कर रहे थे पादपों में जल अवशोषण की क्रिया की बात कर रहे थे, उसकी क्रियाविधि पढ़ चुके थे, अर्थात पादपों में जल अवशोषण की विधि, सक्रिय जल अवशोषण किस प्रकार से होता है उसकी क्रियाविधि का अध्ययन कर चुके हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण किस प्रकार से होता है उसका भी आप अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे पादपों में जल अवशोषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, प्राप्त जल की। मृदा में अनेक प्रकार के जल उपस्थित होते हैं लेकिन सभी प्राप्त नहीं हो पाते हैं, अर्थात मुख्य रूप से पादपों को प्राप्त होने वाला जल होता है वो कौन सा जल होता है, केशिका जल। केशिका जल आपने पिछली बायोलॉजी क्लास में आपने पढ़ा था कि मृदा में अनेक प्रकार के जल पाए जाते हैं, जैसे रासायनिक बंधित जल होता है, अर्थात इसी प्रकार से जिसे हम बात कर रहे थे कि केशिका जल की भी बात किया था कि केशिका जल होता है गुरुत्वीय जल होता है, लेकिन मुख्य रूप से प्राप्त होने वाला जल कौन सा होता है, केशिका जल, क्योंकि गुरुत्वीय जल होता है जो एक प्रकार से गहराई में चला जाता है, जिसे नलकूपों के द्वारा निकाला जाता है, उसके बाद में ही पौधों को प्राप्त होता है, लेकिन मुख्य रूप से प्राप्त होने वाला केशिका जल होता है। स्थायी मिलानी प्रतिशतता, अर्थात मृदा में मृदा जल की वह प्रतिशतता जिसमें उगे हुए पौधे प्रथम बार मुरझान प्रदर्शित करें, ध्यान रहे मुरझान, मलानी का मतलब यहाँ क्या होता है, मुरझान होता है, याद रखें कि मलानी का मतलब यहाँ क्या है, मुरझान, कि मृदा जल की वह प्रतिशतता जिसमें उगे पौधे होते हैं जो प्रथम बार मुरझान प्रदर्शित करें उसे स्थायी मिलानी प्रतिशतता के नाम से जानते हैं। मृदा वातन, वातन यानी क्या होता है, वायु होता है, अच्छे वातन वाली मृदा होती है जो दोमट मृदा होती है, ध्यान रखें कौन सी मृदा होती है, दोमट मृदा, अर्थात दोमट मृदा के अंदर जल अवशोषण क्रिया पर्याप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि अच्छे वातन वाली मृदा कौन सी होती है, दोमट मृदा होती है, और इसके अंदर जल अवशोषण क्रिया होती है जो पर्याप्त मात्रा में होती है। तो ध्यान रखें, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि अच्छे वातन वाली मृदा कौन सी होती है, दोमट मृदा, ये आप ध्यान रखेंगे। मृदा तापमान, कि मृदा तापमान जल अवशोषण के लिए मृदा तापमान होता है तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना गया है। इस तापमान के ऊपर ही जल अवशोषण क्रिया क्या होती है, पादपों के द्वारा अधिक होती है, अर्थात 20 डिग्री से कम और 30 से अधिक होने पर जल अवशोषण क्रिया क्या होती है, कम होती है। तो ध्यान रखें कि मृदा का तापमान भी माना गया है, जो कितना माना गया है, 20 से 30 माना गया है, और इसके ऊपर ही जल अवशोषण क्रिया क्या होती है, एक प्रकार से अधिक होती है। तो मृदा का तापमान कितना माना गया है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। इसी प्रकार से मृदा विलयन की सांद्रता, ध्यान रहे, तो मृदा विलयन की सांद्रता की भी यदि हम बात करें कि मृदा में खनिज लवणों की अधिकता से एक प्रकार से मृदा विलयन की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है, जिससे एक प्रकार से जल अवशोषण क्रिया क्या होती है, कम होती है। और जब मृदा विलयन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, अर्थात तो कैसा विलयन होता है, तनु विलयन होता है, उसके अंदर जल अवशोषण क्रिया क्या होती है, अधिक होती है, ध्यान रखें। तो एक प्रकार से प्राप्त जल है जिसमें मुख्य रूप से कौन सा जल होता है, केशिका जल है। स्थायी मिलानी प्रतिशतता की बात आपको बताया गया है कि एक प्रकार से मृदा जल की वह प्रतिशतता जिसमें पौधे होते हैं, उगे हुए पौधे हैं, जो प्रथम बार मुरझान प्रदर्शित करें, मिलानी का मतलब है मुरझान प्रदर्शित करें, उसे स्थायी मिलानी प्रतिशतता बोलते हैं। मृदा वातन की यदि हम बात करें तो अच्छे वातन वाली मृदा कौन सी होती है, दोमट, और इसी के अंदर एक प्रकार से जल का पर्याप्त क्या होता है, अवशोषण होता है। और मृदा तापमान की यदि बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो एक प्रकार से जल अवशोषण क्या होता है, अधिक होता है, इससे कम या इससे अधिक होने पर जल अवशोषण क्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है। और मृदा विलयन की यदि सांद्रता की बात करें तो खनिज लवणों की यदि अधिकता होगी तो मृदा विलयन की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, जिससे जल अवशोषण क्रिया क्या होगी, कम होगी, और यदि उसमें खनिज लवणों की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो एक प्रकार से
मृदा विलयन कैसा होगा, तनु होगा, और जिसमें जल अवशोषण क्रिया क्या होगी, अधिक होगी। तो यह है जल अवशोषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।